अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, हाउ आर यू ऑल? आई होप यू ऑल आर फाइन एट योर होम्स। आई एम राबिया खान फ्रॉम द फर्स्ट गर्ल्स हायर सेकेंडरी स्कूल, एंड नाउ टुडे वी आर गोइंग टू प्रोसीड आवर फर्दर लेक्चर। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम, लेट जस्ट मूव अहेड। ओपन पेज नंबर 12, यस 12 ऑफ योर कंप्यूटर साइंस बुक। एज वी हैव प्रीवियसली लर्न अबाउट chip bytes, byte, kilobyte, bit, megabyte, so today we are going to learn about the gigabyte. This whole chapter is about memory, the storage capacity, ठीक है कि कितनी स्टोरेज कैपेसिटी होती है एक कंप्यूटर में, कि उसको किस तरह से फर्दर डिवाइड किया होता है हम लोगों ने मेमोरी में, मेमोरी को किस तरह से डिवाइड कर दिया होता है कि कितना उसमें डाटा स्टोर हो सकता है। So let's just talk today about GB, which is gigabyte. Okay, GB stands for gigabyte. Put your finger here. One gigabyte is precisely 1073 7481824 characters. This is approximately equal to a shelf of book in library. As explained already, gigabyte is also an approximation. In fact, giga is exactly 1 billion. Okay, these are 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 zeros are here. अब उन्होंने इसमें बात क्या की है, जैसे आपने पढ़ा था अपने प्रीवियसली उसमें, लाइक 1 byte इज इक्वल टू 8 bits, ठीक है। उसके बाद आपने पढ़ा, मैं अगर आपको बताती हूँ मेगाबाइट के बारे में, तो मेगाबाइट में आपने पढ़ा था अ बुक विच कैरीज अ 500 pages, तो डैट इज़ इक्वल टू 1 megabyte। ओके, नाउ लेट्स हैव टॉक अबाउट गीगाबाइट। तो गीगाबाइट में क्या है, कितने करेक्टर्स हैं, इट ये आपको बताए गए हैं, लेकिन इट इज़ अप्रॉक्सीमेशन, मतलब कि इन्होंने कि इस यहाँ तक हो सकते हैं, ठीक है, इस हद तक, यहाँ तक हो सकते हैं। अब एग्जैक्टली नंबर क्या होता है गीगाबाइट का, एग्जैक्टली होता है 1 billion, ठीक है, दीज आर द 1 billion। अब ये बात है, फिर उसके बाद उन्होंने कहा है कि हम इसकी एग्जांपल कैसे ले सकते हैं गीगाबाइट की। गीगाबाइट की एग्जांपल हो सकती है आपके, जैसे एक लाइब्रेरी होती है, लाइब्रेरी की जो एक शेल्फ होती है, एक शेल्फ, ओके, आई एम जस्ट टॉकिंग अबाउट वन शेल्फ, वन शेल्फ पे जितनी भी बुक्स आती हैं, इसमें जितनी बुक्स एडजस्ट हो सकती हैं, उन सबको कंबाइन करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 1 gigabyte, ठीक है, 1 gigabyte बन जाएगा आपके पास। तो उसमें करेक्टर्स बताए हुए हैं। अब जैसे हम लोगों ने पहले पढ़ा था एक बुक विच कैरीज अ 500 pages, तो हमने उसको कहा मेगाबाइट। अब जब हम इतनी बुक्स की बात कर रहे हैं जो एक पूरे शेल्फ पे है, तो उस सबको हम जब कलेक्ट करेंगे तो उस दे विल बी इक्वल्स टू 1 GB, ठीक है। अब नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट टॉपिक इज टेराबाइट। 1 terabyte इज प्रिसाइजली 10995116277776 करेक्टर्स। दिस इज अप्रॉक्सीमेटली इक्वल टू एन इंटायर लाइब्रेरी ऑफ बुक्स। वी कैन मेजर इवन हायर कैपेसिटीज देन अ टेराबाइट, बट दे आर नॉट कॉमन। टेरा मीन्स, ओके, दीज जीरोज, इट मीन्स 1 trillion, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। अ टेराबाइट इज अगेन एन अप्रॉक्सीमेशन। अब ये भी एक अप्रॉक्सीमेशन है कि इस हद तक ये हो सकता है। अब इन्होंने यहाँ पर क्या बताया हुआ है कि हम लोगों ने जैसे एक शेल्फ की बात की थी एक लाइब्रेरी में, लेकिन यहाँ पर 1 terabyte इज इक्वल टू अ होल लाइब्रेरी। वो लाइब्रेरी का मतलब पता है आपको कि जितनी भी उसमें बुक्स हैं उन सबको जब हम कंबाइन करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 1 terabyte 1 TB। आगे पीटाबाइट भी होता है, लेकिन आपको यहीं तक बताया हुआ है, तो इसलिए पीटाबाइट आगे इक्वल्स टू हो जाता है, सॉरी टेराबाइट आगे इक्वल्स टू हो जाता है पीटाबाइट। तो जब हम बात करते हैं 1 terabyte की, तो इन्होंने कहा है कि इतने अप्रॉक्सीमेट करेक्टर्स होते हैं, और पूरी इसकी एग्जाम्पल क्या है, इज़ इक्वल टू इंटायर लाइब्रेरी ऑफ बुक्स, ठीक है। वी कैन मेजर इवन हायर कैपेसिटीज़ देन अ टेराबाइट। अब मैंने आपको जैसे बताया कि इससे ज़्यादा भी होती है, लाइक पीटाबाइट हो गई, तो ये, लेकिन आप लोगों को फ़िलहाल यहाँ पर नहीं बताया हुआ है क्योंकि वो इतनी कॉमन नहीं है, ये
जो थी ये कॉमन है, इससे आपको यहीं तक बताया हुआ है. ओके नाउ आई एम गोइंग टू वाइंड अप द लेक्चर हियर एंड आर चैप्टर फर्स्ट यूनिट इज़ नाउ कंप्लीटेड. इफ़ यू हैव एनी डिफिकल्टी एनी कॉम्प्लिकेशन रिगार्डिंग दिस चैप्टर यू मे आस्क इन द ग्रुप. ओके नाउ कम टू पेज नंबर 13. यू हैव टू डू दिस ट्रू फॉल्स फिल इन द ब्लैंक्स एंड क्वेश्चन एंड आंसर्स एंड ऑल द ऑब्जेक्टिव पार्ट टिल पेज नंबर 16. ओके टिल हेयर. तो ये आपने करना है. और दूसरी बात यह है कि अगर आपको कोई कॉम्प्लिकेशन होती है, किसी भी कोई प्रॉब्लम होती है, कोई चीज़ समझ नहीं आ रही है क्वेश्चन आंसर या कुछ भी, तो आपको स्कूल की तरफ से वर्कशीट्स प्रोवाइड की गई हैं, उसके ऊपर सॉल्व लें, आप वहाँ से हेल्प ले सकते हैं. फिर भी आपको समझ नहीं आएगी तो आप ग्रुप में पूछ सकते हैं मुझसे, ठीक है. बट ये आपने करना है और आपने चेक करवाना है, पिक्चर्स इमेजेस वगैरह इसकी भेजनी है ग्रुप में. ओके टेक केयर, अल्लाह हाफिज़.